का परचम गगन को चूम कर लहरा रहा, वर्त मेरे अज्ञानता का और भी गहरा रहा। देश की प्रतिभा सराही जा रही है विश्व में, कोटि जनता का हृदय बिन ज्ञान के कुमला रहा। कोटि जनता का हृदय बिन ज्ञान के कुमला रहा। आइए हम ज्ञान का दीपक जलाएं, आइए अक्षर सुधा रस का पिलाएं, हम बचाएं लाज अपने पूर्वजों की, विश्व के गुरु की मिली थी इनको संज्ञा। आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराए प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराए प्रतिज्ञा। मैं आपके पास ही जा रहा हूँ। हाँ हाँ बताइए। वो अपने कैंपेन के बारे में न्यूज़ जो छपे थे ना, उसके क्लिपिंग्स मैं आपके पास जा रहा था दिखाने के लिए। हाँ दिखाई। ऐसा करते हैं अंदर बैठ के बात करते हैं। जी आइए। हेलो हेलो, मैं रश्मि बोल रही हूँ। मुझे धर्मपुर शुगर मिल के जीएम से बात करनी है, इट्स अर्जेंट। हेलो प्रसाद अंकल, प्रसाद अंकल भाभी पहुंची क्या? अंकल वो दद्दू की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। ओह माय गॉड। जी अंकल, भाभी जैसे ही पहुंचे उन्हें जल्दी से यहाँ रवाना कर दीजिए। यू डोंट वरी, मैं अभी देखता हूँ। जी प्लीज अंकल। हाँ रमेश को जल्दी भेजो गेट पे, मैं वहीं मिलता हूँ उसे। आउटलाइंस है ना, इसमें मैंने लिख दी है। कुछ दो तीन आइटम्स हैं जैसे कि बच्चों की नाटिका है, और महिलाओं का संगीत। मैडम आपसे अच्छा। कुछ लोग मिल से मिलने आए हैं। भेजिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, ये मिल में काम करते हैं। मैडम आपके लिए घर से मैसेज है। घर से?
तो सर आप ऑफिस में? हाँ कुछ जरूरी पेपर देखने थे, बैठिए। क्या है कि आपसे बात करनी थी कि द पीपल आर वेरी एक्साइटेड बेसिकली फॉर द दिस गोल्डन जुबली फंक्शन, तो अब तो पॉसिबल है नहीं, और आपकी राय में क्या करना चाहिए? सर आप कह तो सही रहे हैं, मगर वर्कर्स जो हैं इतने उत्साह से इस समारोह को मनाने जा रहे हैं, और अगर हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं तो सर बेचारे वर्कर्स बड़े नाउमीद हो जाएंगे। मेरा एक सजेशन है सर। हाँ बताइए। अगर आप परमिशन दें, और कुछ वर्कर्स भी हमें कह रहे थे कि अगर हम लोग दादाजी के श्रद्धांजलि के रूप में अगर इस समारोह को मनाते हैं तो उसमें वर्कर्स भी पार्टिसिपेट कर लेंगे और दादाजी को लिए एक श्रद्धांजलि भी हो जाएगी। हाँ मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा, आप श्रद्धांजलि सभा की तैयारी कीजिए, मैं भी घर पे बात कर लेता हूँ। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। धर्मराज जी ने अपने जीवन काल में जिस धर्म को धारण किया वो लोक मर्यादा के लिए एक उदाहरण है। ऐसे ही स्वनाम धन्य धर्मराज जी को आज हम सब यहां श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। विगत 6 माह से हमारा धर्मपुर चीनी मिल परिवार अति उत्साह और लगन से परिपूर्ण था, क्योंकि वो अपने पुरोधा धर्मराज जी के स्वागत करने के लिए उत्साहित था, लालायित था। लेकिन ईश्वर को शायद यही मंजूर है, आज हमारा विशाल परिवार शोकाकुल है। देश के विभिन्न अंचलों में स्थित चीनी मिलों से जुड़े लाखों कृषक परिवार मर्माहत हैं, लेकिन हम हताश नहीं हैं, निराश नहीं हैं, और ना ही अनाथ हुए हैं, क्योंकि हमारा मसीहा हम में से हर एक के हृदय में एक अदम्य ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। एक बार चीनी मिल के वार्षिकोत्सव पर धर्मराज जी ने मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा था कि प्रगति का पैमाना यह नहीं कि हमने कितना धन कमाया, यह भी नहीं कि हमने कितनी संपत्ति अर्जित की, और यह भी नहीं है कि हमने कितना नाम कमाया। प्रगति का पैमाना तो यह है कि आज आपने जितनी प्रगति की है क्या आपने समाज के नीचे से नीचे पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को कुछ दिया, क्या आपसे उसे कुछ मिला,
या आपकी प्रगति में उसका कोई योगदान है? उस समय मैं एक युवा छात्र था। मेरे पिता मिल में बड़े बाबू थे, वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन धर्मराज जी के इन शब्दों ने मुझे श्रमिक नेता बना दिया। जितना भी उनके बारे में कहा जाए उतना कम है, शब्द छोटे पड़ जाते हैं उनके लिए कुछ कहने में। सर्वप्रथम मैं धर्मराज जी के सुपुत्र श्री राजीव राज जी से निवेदन करूंगा कि वो यहां आए और अपने पिता धर्मराज जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मैं क्या कहूं, कैसे कहूं? बाबूजी जितने महान थे उसे कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वो तो वृक्ष थे, हजारों सैकड़ों मनुष्यों को वो छाया देते थे। मैं तो उस वृक्ष की एक कमजोर शाखा हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उनके बिना हम कैसे जी सकेंगे। जो सभ्यता और संस्कार हमें उनसे विरासत में मिले हैं उन्हें बांटना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और परम कर्तव्य भी। अब उनके बताए मार्ग पर चलना ही हमारा एकमात्र ध्येय है और यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अक्षय और मेरी बहू ऋचा ने उस रास्ते पर चलने के लिए जो आज प्रतिज्ञा ली है उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनका यह प्रयास अवश्य सफल हो। बाबूजी को नमन। महाप्रबंधक श्री प्रसाद जी आए और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मैं कुछ नहीं भूला, कभी नहीं भूल सकता। जब जब भी मैं रोया उन्होंने मेरे आंसू पोंछे। मैं मेरी समझ उस महान विभूति के सामने बहुत छोटे थे, पर उनके सानिध्य में उनकी छत्र छाया में मैंने स्वयं को हमेशा विशाल पाया। उस विशाल हृदय संत के सामने मैंने कभी अपने आप को किसी तरह निर्धन नहीं पाया। मैं उनके चरणों में रहा पर उन्होंने हमेशा मेरा मस्तक ऊंचा रखा। मुझे जन्म देने वाले पिता वाचस्पति ट्रस्ट के साधारण मुनीम थे, पर मुझे पालने पोसने बड़ा करने वाले पिता एक विशाल बिजनेस एम्पायर के बादशाह थे। आज सचमुच मैं अनाथ हो गया हूं। मैं उस महान आत्मा को नमन करता हूं। अब अंत में मैं इस महान कुल के दीपक और अपने स्वर्गीय दादाजी की प्रतिमूर्ति अक्षय भैया को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने स्वर्गीय दादाजी धर्मराज जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मेरा बचपन मेरे दादाजी की गोद में बीता। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो वे मेरे सबसे अच्छे मित्र थे, सबसे अच्छे दोस्त थे। मुझे और मेरी बहन रश्मि को
उन्होंने जो शिक्षा दी, जो संस्कार दिए, वो बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी भी नहीं दे सकती। मैंने दादाजी के अंदर कभी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं देखा, वह तो एक संत थे, समाज सुधारक थे। उनके जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व था। वे चाहते थे कि दुनिया का हर व्यक्ति, हर इंसान एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो। जब मैं पहली बार इस शुगर मिल में आया और मेरी नजर मजदूरों के वेतन रजिस्टर पर पड़ी, तो मेरे दिल को एक धक्का सा लगा। उसमें अंगूठों के निशान, जिन्होंने मुझे झिंझोड़ के रख दिया। मुझे लगा दादाजी के लिए इससे बड़ा अपमान और क्या होगा। तभी मैंने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं इन अंगूठों के निशानों को हस्ताक्षरों में बदल दूंगा। और आज मुझे ये बताते हुए फक्र महसूस हो रहा है कि हमारी मिल में एक भी मजदूर अनपढ़ नहीं है, अशिक्षित नहीं है। मेरी सफल प्रतिज्ञा में मेरी पत्नी ऋचा, मेरी बहन रश्मि और आप सब लोगों का बहुत सहयोग रहा। मैं उसी प्रतिज्ञा को श्रद्धांजलि के रूप में दादाजी के चरणों में समर्पित करता हूं। चूंकि आज दादाजी हमारे बीच में नहीं रहे, मगर उनकी आत्मा, उनका प्यार, उनका विश्वास और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और हमेशा रहे। सोचा था बहू आएगी तो हाथ बटाएगी, लेकिन उसने तो खुद ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रखी है। तो क्या हुआ मामा, थोड़ा टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। मैं भी तो घर में बैठी बोर होती रहती हूँ। भाभी अपने कैंपेन में बिजी हैं, भैया को ऑफिस से फुर्सत नहीं, आप सारा दिन घर से बाहर रहती हैं और पापा को तो जैसे घर से कोई मतलब ही नहीं। अब तो बस मैं हूँ और मेरी ये किताब है। मामा जब तक दद्दू थे ना, मुझे किसी की जरूरत नहीं थी। जब भी पढ़ाई से समय मिलता था, दद्दू के पास ऐसे समय गुजर जाता था कि पता ही नहीं चलता था। मैं दद्दू को बहुत मिस करती हूँ मामा, मुझे दद्दू की बहुत याद आती है। हम सभी को जाना है एक नए दिन। हाँ, बस ये सोच लो कि हमारा उनका साथ बस इतने ही दिन का था। अब तुम लोग उनके बताए रास्ते पर चलोगे, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी बेटे। क्या बात है मामा? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे पिताजी की याद आ गई। अच्छा, तुम बता कुछ कर रही थी क्या? नहीं कुछ खास नहीं, डाक देख रही थी। लोगों ने अखबारों की कटिंग्स भेजी हैं। आपके आशीर्वाद से हमारे अभियान की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। प्रशंसा तो मैं भी करना चाहती हूँ तुम्हारी, लेकिन तुम भी तो मेरे लिए कुछ करो। बताइए मम्मी, मैं आपके लिए कुछ कर सकूँ, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। मुझे तुमसे एक उपहार चाहिए। कैसा उपहार? हंसता खेलता खिलौना। देखो तुम और अक्षय तो लगातार बिजी होते चले जा रहे हो। कुछ दिनों बाद रश्मि भी अपने घर चली जाएगी, फिर मैं अपना बुढ़ापा किसके सहारे काटूंगी। मैं आपकी फीलिंग समझती हूँ मामा, पर मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। मैं अपने इस अभियान को उसके लक्ष्य तक पहुँचाना चाहती हूँ। बस उसके बाद मैं आपकी अपेक्षाओं के साथ जीऊंगी। मैम, मैं नेशनल टाइम्स से आया हूँ। सॉरी, मैं आपसे अपॉइंटमेंट नहीं ले सका। मैंने काफ़ी कोशिश की आपका सेक्रेटरी से बात करने की, लेकिन उन्होंने टाइम नहीं दिया। आपसे मुझे जो आपका कैंपेन है उसके बारे में कुछ पता करना था। देखिए, इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं फिर कभी बात नहीं। मैडम, कम से कम एक सवाल का जवाब तो अवश्य दें।
पूछिए। ये आपको जो कैंपेन की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है और अभी इस पर बहुत काम करना बाकी है। डिटेल में बात हम फिर करेंगे। ठीक है। Esteemed representatives from the trade and industry, I, on behalf of the North India Chamber of Commerce, welcome you all this morning to the seminar on Indian industry and social concern. I would request the Honorable Chairman of the famous National Group of Industries, Sri V.K. Srivastava, to deliver the keynote address and enlighten the members on the burning issues concerning the society at large. सेक्रेटरी जनरल श्री एसपी ठाकुर जी का मैं बहुत आभारी हूं कि इन्होंने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं सबसे पहले सेमिनार के आयोजकों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने समाज और राष्ट्र के इस संवेदनशील विषय पर चर्चा के लिए हम लोगों को यहां एकत्रित किया। आज जब उद्योग जगत में चारों ओर वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, उपभोक्तावाद और मुक्त बाजार जैसे मूल तंत्र वातावरण में तैर रहे हैं, तब सामाजिक सरोकार जैसा शब्द वास्तव में अंतर्मन को छूता है। आज आप सबसे यह छुपा नहीं है कि बिरला जैसे अनेक औद्योगिक घराने विकसित हो चुके हैं, परंतु पिलानी जैसी शिक्षा संस्थाएं क्यों और विकसित नहीं हुई, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं इस अवसर पर धर्मराज औद्योगिक घराने को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, जिनके प्रयासों से देश के कई अंचलों में संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। वास्तव में बधाई के पात्र इस घराने के युवा उद्यमी अक्षय राज जी हैं, जिन्होंने सुगर डिवीजन के चेयरमैन की हैसियत से देश के विभिन्न भागों में अपने चीनी मिल मजदूरों और उनसे जुड़े ग्रामीण अंचलों में साक्षरता अभियान सफलतापूर्वक चलाया और बहुत ही कम समय में अपने लक्ष्य को पूरा कर दिखाया। हमें वास्तव में घराने से प्रेरणा लेनी चाहिए साथियों। यूं तो इस घराने के प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय धर्मराज जी रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा स्थापित परंपरा को उनके उत्तराधिकारी ने बखूबी निभाया है। हमें खुशी है कि हम लोगों के बीच इस औद्योगिक घराने के वाइस चेयरमैन सुगर डिवीजन श्री जयराम उनके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हैं। मैं उन्हें तहे दिल से बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत दिनों बाद आए आप लोग। आप सबने मिलकर रीचा को धर्मराज फाउंडेशन का चेयरमैन बना दिया। मैं आज इसको इसकी बधाई देने आया था। और हाँ बेटा, ये तो मैं भूल ही गया, ये एक छोटी सी भेंट फाउंडेशन के लिए। 1.25 करोड़? इतना बड़ा अमाउंट? थैंक्स पापा। ये तो सब इसी का है राजीव जी। मैंने जो पैसा इसकी शादी के लिए बैंक में रखा था वो बढ़कर इतना हो गया। गाड़ी कमाई का पैसा हमेशा अच्छे कामों में लगता है। आज मैं रिचा को उसकी धरोहर वापस करने आया हूं और मैं जानता हूं ये पैसा चाचा जी की फाउंडेशन के अच्छे उद्देश्यों में काम आएगा। इससे मुझे बहुत खुशी होगी। अब तो मुझे भी सीरियसली सोचना होगा। फाउंडेशन के नाम 1 करोड़ का चेक तो मिल गया होगा रिचा? जी पापा। अब और कितना कर दें? पापा, पैसा तो सरकार भी देना चाहती है, पर सरकार के पास तो और भी जिम्मेदारियां हैं। जब तक मैं हूँ तुम्हें सरकार का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं। मैं देखता हूँ, कुछ दोस्तों से बात करता हूँ। शकुंतला, कुछ दूसरे ट्रस्टों का पैसा रिचा फाउंडेशन को ट्रांसफर करा दो। हेलो रिचा, क्या बात है, बड़ी फ्रेश लग रही हो। कोई स्पेशल अचीवमेंट? सिर्फ मेरा नहीं, हम दोनों का है। वो तो है, मैं संकल्प भी तो एक साथ लिया था।
और वैसे भी पति पत्नी का सब कुछ साझा ही तो होता है। कोई खास बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? अक्षय, तुम पापा बनने वाले हो। क्या सच? तुम सच कह रही हो? इधर आ। वाकई सच कह रही हो? जी। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। मेरा क्यों? अभी तो तुमने कहा कि पति पत्नी का दोनों का सांझा होता है। अच्छा बाबा, हम दोनों के लिए सरप्राइज है। तुम्हें लिटरेसी का हाईएस्ट टैगोर अवार्ड और मुझे नेहरू अवार्ड मिलने वाला है। सच? That's wonderful. याद है बेसंत वे अपने मनीषी, विश्व भर को स्वयं के दर्शन दिए थे। ज्ञान और विज्ञान का आलोक पाकर विश्व मानव के मलिन मन खिल उठे थे। स्वर्ग में वो सोचते क्या आज होंगे, ज्ञान को जो धर्म अपना मानते थे। आइए हम राष्ट्र को शिक्षित बनाए, अज्ञान के संताप को दिल से मिटाए। आज यदि ऐसा नहीं हमने किया तो होगी ये उन देवताओं की अवज्ञा। आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, आज दोहराए प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराए प्रतिज्ञा।